तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे बनता है बेसन लड्डू। वैसे तो रिफाइंड या डाला या शुद्ध घी में भून के बनाया जाता है, तो दोस्तों आज बताएंगे शुद्ध घी का बेसन लड्डू कैसे बनता है। दोस्तों मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे बेसन को भूना जाता है या कैसे बेसन बर्फी बनता है, दोनों ही तरीका। तो उसी तरीका में शामिल है दोस्तों बेसन लड्डू। बेसन को किस तरह से भूनता है उसको हमने भून लिया है, और चीनी का चाशनी का घोड़ा किस तरह से बना करके दोस्तों से मिलाता है वो चीज़ आपको बताएंगे, और कैसे बनता है बेसन लड्डू वो चीज़ बताएंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में दीपक का लाइव में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि शुद्ध घी का बेसन लड्डू आपको बताएंगे कैसे बनता है। तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहिएगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने बेसन को पहले ही भून के रख लिया था, आपको मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे बेसन भूना जाता है। वैसे मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा दोस्तों कि कैसे बेसन भूना जाता है। हमने बेसन को भून के रख लिया है, और बेसन जब भूनने लगते हैं इसमें दोस्तों लगभग 4 kg बेसन में लगभग दोस्तों हमने इसमें लगभग 3.5 kg घी देकर भूना था बेसन को। अब देखिए वो दोस्तों 4 kg बेसन है और लगभग 8 kg भूरा इसमें मिश्रण करेंगे दोस्तों, मिक्स करेंगे। भूरा दोस्तों चीनी का होता है, चाशनी का होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मैं भूरा मिला रहा हूँ भुने हुए बेसन में। उसके बाद पूरी तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसका लड्डू बना सकते हैं, चाहे बेसन बर्फी बना सकते हैं, दो तरह का आइटम इससे बना सकते हैं दोस्तों। हमने बेसन को पहले ही भून लिया था, 4 kg बेसन को 3.5 kg घी दे करके भूने थे दोस्तों। मैं वो वीडियो बता दूंगा किस तरह से बेसन भून जाता है, उसका लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। तो पूरी तरह से हम भूरा मिक्स कर लिए भुने हुए बेसन में, तब उसको हमने बर्फी तो बता चुके हैं दोस्तों कैसे बनता है बर्फी। अब वही तरीका दोस्तों बेसन लड्डू बनाने में प्रयोग करना, बस इसको गोल गोल करना होता है हाथ से दोस्तों। तो हमने भुने हुए बेसन में लगभग 4 kg बेसन में लगभग 8 kg भूरा को मिश्रण कर लिया है, और उसके बाद दोस्तों इसका लड्डू बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो किस थोड़ा सा बूंदी वाला लड्डू से थोड़ा सा कठिन होता है लड्डू बनाना दोस्तों। अब देख सकते हैं किस तरह से लड्डू बांध रहे हैं बेसन का लड्डू, शुद्ध घी में इसको भून लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बेसन लड्डू बांधा जा रहा है, यही प्रक्रिया बार बार करते रहना है जब तक कि हमारा कोई जो ट्रेल लिए रखे हैं दोस्तों ट्रेल भर नहीं जाए, ताकि काउंटर में बिकने के लिए आराम से चला जाए। तो तब तक हम दोस्तों लड्डू को बांधते रहेंगे, और हमारा लगभग दोस्तों ट्रेल भर चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यही प्रक्रिया करना होता है। तो दोस्तों कैसा लगा बेसन लड्डू बताइएगा वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद होगा दोस्तों कि आप बेसन लड्डू को समझ लिए होंगे कैसे बनता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चाहते हैं कि मेरा एक से एक नया नया रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।